इतिहास का सबसे महान सम्राट जिसने भारत को अखंड भारत बनाया, भारत को उसकी पहचान सोने की चिड़िया फिर से लौटाई, गुरु की प्रतिज्ञा और देश का कर्ज चुकाने के लिए जिसने भारत को अखंड बनाया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास का सबसे महान सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य केवल 42 साल की उम्र में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जिन्होंने अपने मृत्यु को आमंत्रण दिया यानी जैन मुनि बनने के बाद उन्होंने संथारा किया जिसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। आज भी इतिहास में कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि धुंधले प्रतीत होते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास भी आज कुछ इसी प्रकार से है। सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतना महान सम्राट जिसने इतनी मेहनत की, एक आम बालक से, एक आम बच्चे से सम्राट तक का, सबसे बड़े सम्राट तक का सफर तय किया। अपने गुरु आचार्य चाणक्य की मदद से उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कि आज भी पूरे भारत का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, वह उन्हीं के राज्य के कुछ अंशों पर चलता आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक घटना ने चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन बदल दिया और उन्हें एक सम्राट के जीवन से एक साधु के जीवन तक पहुंचा दिया। आज इस घटना के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बारे में भी जानना चाहिए कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में ये बदलाव आए कैसे और सम्राट बनने के बाद उन्होंने जनता के हित में इतने बड़े बड़े कार्य किए तो क्यों आखिरकार उन्होंने एक जैन मुनि बनने का निर्णय लिया। आप सभी को बता दूं कि केवल 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और 25 वर्ष उन्होंने शासन किया था। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर 42 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई और 25 साल उन्होंने शासन किया तो कितने कम उम्र में ही उन्होंने अपने साम्राज्य को खड़ा कर लिया होगा और धनानंद को हरा दिया होगा युद्ध में। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने के बाद उनका सबसे पहला कार्य था अखंड भारत का निर्माण, जो कि उन्होंने लगभग पूर्ण भी किया अपने आचार्य चाणक्य की मदद से। दूसरा कार्य जो उन्होंने किया था वह था सबसे बड़ा कार्य जो कि आज भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि है सड़क मार्गों का निर्माण। आप सभी को ये बात जरूर पता हो कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने जितने भी हमले किए हैं वह ज्यादातर सभी जल मार्ग से हुए थे। तो आचार्य चाणक्य ने कूटनीति के लगाकर और चंद्रगुप्त को यह आदेश दिया कि वह सभी जल मार्गों को सीमित कर सड़क मार्गों का निर्माण करे, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ही सड़कों का निर्माण भारत में प्रारंभ हुआ था। यानी जिस सड़कों पर आज हम अपने वाहन दौड़ाते हैं, अपनी बाइक दौड़ाते हैं, अपनी कार दौड़ाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाकर चंद्रगुप्त मौर्य की बदौलत ही है आज। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बनाया और व्यापार कुछ इस प्रकार से किया कि भारत को सोने की चिड़िया की जो उपाधि थी उसे बनाए रखा और फिर से वह उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत को फिर से मिली, क्योंकि व्यापार इतनी उन्नति पर था, भारत पूरी तरह समृद्ध हो चुका था। तो इस प्रकार से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिसने चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन बदल दिया। ये घटना थी अकाल। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जल मार्ग को सीमित रखा और सड़क मार्ग बनाए, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अपने राज्यों में कई बड़े जलाशय भी बनवाए थे जो आज वर्तमान में भी मौजूद है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही, जब लगभग उनको 24 साल पूरे हो चुके थे शासनकाल के, उस समय एक भयानक अकाल पड़ा जो कि मगध को पूरी तरह से निगलने वाला था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की दूरदृष्टि ने प्रजा को किसी तरह संभाले रखा, लेकिन उस अकाल में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य के मस्तिष्क पर इसका भारी असर पड़ा। और ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए थे और उनको राज्य के कार्यभार में दिलचस्पी हट गई थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शाही जो परिवार था वह हमेशा से ही जैन धर्म के मुनियों के संपर्क में था, यानी उनसे जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आने पर चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में जितने भी राज्य के प्रति से सारी मोह माया निकल गई और उन्होंने जैन मुनि बनने का फैसला लिया और वह कर्नाटक श्रवण बेलगोला चले गए और वहां पर उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर काफी लंबे समय तक
तपस्या भी की, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आप समझ गए होंगे कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। काफी ज्यादा फेमस है और आज भी वर्तमान में इसके कई बड़े धार्मिक महत्व भी मौजूद है। जहाँ पर तपस्या करने के बाद कुछ समय बाद ही संथारी के द्वारा उन्होंने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आज भी इतिहास में कई ऐसे सवाल मौजूद हैं जिनके जवाब शायद हमारे पास मौजूद है ही नहीं, जिसमें से एक है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, जिसको लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी साफ नहीं हो पाए हैं। उसमें से एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश आज के इस वीडियो में की गई है और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अंश मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूँगा। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी वीडियोस के लिंक इतिहास से जुड़े आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनमें आप जाकर देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोगों के इतिहास मैंने वहाँ पर आप सभी को बताए हैं। दोस्तों, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियोस नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। और कमेंट में जरूर दीजिए जवाब। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।